बुरहानपुर जिले के आशा निकेतन स्कूल में एक अनूठा मामला सामने आया है। दरअसल यहां बच्चों का एडमिशन किसी और स्कूल में किया गया है, लेकिन बच्चे पढ़ने किसी अन्य स्कूल में जा रहे हैं। खास बात यह है कि स्कूल की मान्यता केवल 8वीं कक्षा तक ही है, लेकिन इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की क्लासेस लगाई जा रही है। बता दें कि यह कारनामा आशा निकेतन स्कूल की पूर्व प्राचार्य दीपा गुप्ता द्वारा किया जा रहा है, जो कि छात्र छात्राओं और उनके पालकों को गुमराह कर रही है। वही जब इस विषय में बच्चों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वे तो आशा निकेतन स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जबरन दीपा गुप्ता मैम द्वारा हमें दूसरी स्कूल में ले जाया जाता है। तो वही आशा निकेतन स्कूल की वर्तमान प्राचार्य मेघा भेड़े का कहना है कि पूर्व प्राचार्य दबंगाई करते हुए छात्रों को जबरन अपनी स्कूल में ले जाती है, जिसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक को की गई है, लेकिन कोई भी बच्चों के भविष्य को नहीं बचा रहा है। वो ही इस सारे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी का कहना है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। ये अचीवर्स नेस्ट बुरहानपुर अशासकीय स्कूल है, जिसको पिछले वर्ष ही कक्षा 8वीं के लिए मान्यता प्रदान की गई है और ये केवल 8वीं तक ही संचालित है। 10वीं 12वीं के बच्चों को जो पढ़ाने की जानकारी आप दे रहे हैं, ये आपकी के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है। अभी तक ये हमारे संज्ञान में नहीं है। यदि वो 10वीं से लेकर 12वीं तक या 9वीं के बच्चों को अध्यापन करा रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमें फर्स्ट तो रिकॉर्ड नहीं दिया गया स्कूल का, और दूसरा कि बच्चों को जो है और पालकों को हमारे स्कूल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आपने कोई स्कूल खोली है या यदि वो मान्यता प्राप्त भी है तो वहाँ पे क्या 9th, 10th, 11th, 12th की मान्यता है क्या, क्योंकि वो बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और ना ही हमने यहाँ से ऐसी कोई यानी TC जारी की है। हमारे स्कूल की जो एक्स प्रिंसिपल थी श्रीमती दीपा समीर गुप्ता, वो यहाँ से बच्चों को लेकर गई हुई है और रोज़ यहाँ पर रोड पे वो और उनका स्टाफ चारों कॉर्नर से खड़े हो जाते हैं, हम लोगों के भी वीडियो बनाते रहते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स को हमारे स्कूल तक नहीं आने देते। फ़ोन पे हमको पेरेंट्स कहते कि मैडम पढ़ाना तो हमें इसी स्कूल में है, पर पहुँचने नहीं दिया जाता है, रोक लिया जाता है हमको।